राधा अष्टमी व्रत। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा व कृष्ण की पूजा की जाती है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों को अधितास्त्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधितास्त्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन यानी साधन करती है, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। श्री मद देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा षडक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन्हें साधकों की जहां सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण कर एवं जाप करता है, वह धर्माधर्मी बनता है, अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा अष्टमी पूजन विधि। राधा अष्टमी के दिन शुद्ध मन से व्रत का पालन किया जाता है। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। राधा जी की सोने या किसी अन्य धातु से बनी हुई सुंदर मूर्ति को विग्रह में स्थापित करते हैं। राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है और फिर भोग लगाया जाता है। उसके बाद फल धूप दीप आदि से उनकी आरती की जाती है। इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजन स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंदी बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें। मंदिर में दीप दान करें। इस दिन मंदिरों में 27 पेड़ों की पत्तियों और 27 ही कुओं का जल इकट्ठा करना चाहिए। 1/4 मन दूध, दही, शुद्ध घी सब बुरा और औषधियों से मूल शांति करानी चाहिए। अंत में कई मन पंचामृत से वैदिक मंत्रों के साथ श्यामा श्यामा का अभिषेक किया जाता है। श्री राधा रानी के विशेष वंदना श्लोक। माता मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम,
माता मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में प्रणवो बारंबार। राधे मेरी स्वामनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन के वास। श्री राधे वृष भानुजा भक्तनी प्राणाधार, श्री राधे वृष भानुजा भक्तनी प्राणाधार, वृंदा विपिन विहानी प्रणवो बारंबार। सब द्वारन को छाड़ के आइयो मेरे द्वार, सब द्वारन को छाड़ के आइयो मेरे द्वार, श्री वृष भानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा राधा रटत थी भव्याध्या मिट जाए, राधा राधा रटत थी भव्याध्या मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लियो सो जाए। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधा अष्टमी कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवनिषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी वैष्णवी प्रकृति है, कहिए वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है। सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूं, मैं तो श्री राधा के रूप लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं, उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूं। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्वत्लस, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब वर्त में श्रेष्ठ वर्त श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा पूजा विधान तार्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृष भानुपुरी के राजा वृष भानु महान उदार थे, वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा महिमा आदि आठों प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी कुलीन सदीचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कृतिका कृतिता थी, वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को मध्याकाल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में
जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथावधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उनके मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद, अर्ध आदि से कमल पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संचित होकर उनकी पूजा करें। श्री राधा जी की आरती। आरती राधा जी की जय, आरती राधा जी की जय। कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृष भानु लली की जय, आरती श्री राधा जी की जय। कृष्ण चंद्र की करी सहाई, कृष्ण चंद्र की करी सहाई। मुख में आने रूप दिखलाई, मुख में आने रूप दिखलाई। उस शक्ति की आरती की जय, आरती श्री राधा जी की जय। नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, जमुना तट पर रास रचाई। नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, जमुना तट पर रास रचाई। आरती रास रचाई की कीजे, आरती श्री राधा जी की कीजे। प्रेम रहा जिसने बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। प्रेम रहा जिसने बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। आरती राधा जी की जय, आरती राधा जी की जय। दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के दुख सब हरती। दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के दुख सब हरती। आरती दुख हरनी जी की जय, आरती श्री राधा जी की जय। कृष्ण चंद्र ने प्रेम बढ़ाया, विपिन बीच में रास रचाया। कृष्ण चंद्र ने प्रेम बढ़ाया, विपिन बीच में रास रचाया। आरती कृष्ण प्रिया की जय, आरती श्री राधा जी की जय। दुनिया की जो जननी कहलावे, निज पुत्रों की धीर बढ़ावे। दुनिया की जो जननी कहलावे, निज पुत्रों की धीर बढ़ावे। आरती जगत माता की जय, आरती श्री राधा जी की जय। निज पुत्रों के काज सवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे। निज पुत्रों के काज सवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे। आरती विश्वमात की जय, आरती श्री राधा जी की जय। कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृष भानु लली की जय, आरती श्री राधा जी की जय।